स्मॉल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का आरोप, राजनीतिक दबाव में नहीं हो रही कार्रवाई। होशियारपुर में चल रही हैं कई अवैध फैक्ट्रियां। विधायक पवन आदिया पर पैसे लेने का आरोप, विधायक ने बताया आरोपों को निराधार। स्मॉल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के पंजाब अध्यक्ष गुरप्रीत कटारिया ने आरोप लगाया कि होशियारपुर के विधायक पवन आदिया ने अपने विधायक पद का गलत इस्तेमाल कर और अवैध फैक्ट्री मालिकों से रिश्वत ले उन पर कार्रवाई नहीं होने दे रहे। कटारिया का आरोप था कि होशियारपुर के DFO भी उनके दबाव में ही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पवन आदिया ने कहा कि आरोप निराधार है। वहीं DFO ने कहा कि कार्रवाई हो रही है और उन्होंने बतौर DFO 4 महीने पहले ही चार्ज संभाला है। अब आप सुनिए किस प्रकार गुरप्रीत कटारिया ने विधायक पवन आदिया पर पैसे लेने का आरोप लगाया और उसके बाद DFO होशियारपुर अमनीत सिंह और होशियारपुर के विधायक पवन आदिया से हमारे संवाददाता राजेश अरोड़ा की हुई बात। कटारिया साहब, असी पहले तो यह जानना चाहते हैं कि यह जी समॉल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग है, कि पंजाब कितनी फैक्ट्रियां ने? मैं गुरप्रीत कटारिया जी, मैं प्रेजिडेंट हाँ समॉल प्लाईवुड मैनुफैक्चर एसोसीएशन का। साढ़िया पंजाब तकरीबन 200 प्लाईवुड फैक्ट्रीज है जी। तो सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइनस ने कि किसी ने भी फैक्ट्री लगानी है तो वो देखो फॉरेस्ट का लसेंस सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस मुताबिक होना लाजमी है जी। बगैर लसेंस के कोई भी बंदा कोई भी मशीन नहीं लगा सकता है। यह मेरे फॉरेस्ट लसेंस की कॉपी है जिसे मैंशन है कि मेरे को इन सॉ मिल्स ने, इन पीलर मशीनस ने, इन हॉट प्रेसिस ने। फिर ये 4 नंबर कॉलम क्लीयरली मैनशन किया गया वा कि तुहानू जिन्नी मशीनों का लसेंस दिता गया तुसी उन्नियां मशीनां ही चलाओगे। जेकर कि तुसी वाधू मशीन चलाते फड़े जाते हो तो जो लसेंस तुहानू इशू किया रद्द किया जा सकता है जी। लाइन नंबर 5 ते लिखा गया वा कि जो लसेंस है तुहानू सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनस मुताबिक इशू किया जा रहा है जी। बट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण गल है कि सुप्रीम कोर्ट ने लसेंसिंग सिस्टम इस करके किया कि एक लकड़ जंगल साढ़े को किन्नी अवेलेबल है तो वो कि खपत है, एक बैलेंस बने रहे तो कि वातावरण नुकसान ना पहुँचे जी। बट ये साढ़े होशियारपुर पटियाले पठानकोट बहुत सारिया इलीगल इंडस्ट्रीज चल दी पी ने जी, जिदे लकड़ की किल्लत हो गई है, वातावरण भी नुकसान हो रहा वा। इस संबंध में प्रधान पंजाब का प्रधान होने के नाते असी DFO होशियारपुर, DFO पठानकोट, DFO गुरदासपुर, DFO पटियाला, DFO बठिंडा, ये सारे कॉन्टैक्ट किया कि तुहाडे इलाके गलत फैक्ट्रियां चल दी पीने, बिना लसेंस चल दी पी ने, तो तुम इन्हों से एक्शन कोई नहीं लेंगे, इन्होंने जगाया वा जी। लेकिन ये जागन का नाम नहीं ले रहे, फिर असं इन्हों कली कली फैक्ट्री का बाई नहीं। मैं थोड़ा जी गल रोक रहे हैं, सब तो पहले असं जानना चाहते हैं जी 200 फैक्ट्री ने। हाँ जी, तुम पंजाब के प्रधान हो। हाँ जी जी, ये मान्यता प्राप्त जिन्हों को लाइसेंस है वो किनिया ने, गैर मान्यता प्राप्त किनिया? सर जड़िया तो जिन्हें भी साढ़े मैंबर्स ने वो सारे लसेंसड फैक्ट्रीज ने, सारे लसेंस होल्डर ने। लेकिन हो कि जिस तरह उन्हें क्या फैक्ट्री है सुमित्री वीनियस करके जी, ये होशियारपुर की फैक्ट्री है। ये को लसेंस तो लिखा गया वा कि 2 पिलिंग मशीन तो 2 हॉट प्रेसा का लसेंस है जी। ये मौके पर 2 दर्जन मशीन चला रहे हैं जी। यानी कि यह जी फैक्ट्री चल रही है गैर कानूनी तरीके? हाँ, सरासर गैर कानूनी चल रही है जी। बतौर एसोसीएशन के पंजाब प्रधान होने के नाते शिकायत कि सब तो पहले असी DFO होशियारपुर शिकायत की जी कि इलीगल चल रही है जी। उस तो बाद डिप्टी कमिश्नर मैडम ने अपनीत रियायत उन्होंने परसनली मिले जी कि इलाके इलीगल इंडस्ट्री चल रही है जी। DFO के उपर कंजरवेटर होंगे ने जी जी, SK तिवाड़ी ने जी, उन्होंने मेरी बहुत बड़ी गल हो चुकी है इस मसले से। फिर उन्होंने की जवाब से कोई कार्रवाई उन्होंने अगो की फैक्ट्री के उत्ते? सर वो कहते हैं जी कि असं कार्रवाई कर रहे हैं। DFO साहब ने 15 जून मिले सी जी, पिछले महीने की गल है, महीने तो 5 दिन उपर ही हो गया, वैसे तो 4-5 महीने हो गए सू कंप्लेट्स पाते हैं जी। उन्होंने सानू इंश्योरेंस दी सी, 2-3 दिन असं नोटिस देते, असी मशीनरी चैक कर ली है, वाकई इलीगल चल रही है, असं इन फैक्ट्री सील कर जा रहे हैं। बट कितने ना कितने उत्थे कोई आ गया जी MLA ने होशियारपुर के जी, पवन आदिया जी, पवन आदिया जी हाँ, वो कितने ना कितने सुनने आया कि वो इलीगल फैक्ट्रीज को महीना वसूल दे रहे जी जी। हाँ, वो महीना वसूल दे रहे, तो DFO नु कार्रवाई नहीं कर देते। तुसी ये इस गल का जो तुम्हें पता लगा तो फिर तुसी कोई पवन आदिया के खिलाफ शिकायत की किसी ने? असी नहीं, पवन आदिया के खिलाफ तो कोई शिकायत नहीं की जी, लेकिन असी DFO नु कंजरवेटर नु जो पंजाब के हेड ने प्रिंसीपल चीफ कंजरवेटर ने विजय भूषण जी, मैं उन्होंने भी मिल के आया जी 28 जून
ਤੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਮਤਲਬ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਟ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਦੇ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਕੋਲੋਂ। ਕਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਰ ਬੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਲੀਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਲੀਗਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਤਾ, ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ 8 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੀਗਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ DFO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਵਨ ਆਦਗੀਆ ਜੀ MLA ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ DFO ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਬਾਉਂਡ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਲੀਗਲ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੇ MLA ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਦਰੁਸਤ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। आपने सुना किस प्रकार स्मॉल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष गुरप्रीत कटारिया ने DFO और पवन आदिया पर कार्रवाई ना करने के आरोप लगाए और कहा कि विधायक इस मामले में पैसे ले रहे हैं, लेकिन विधायक पवन आदिया ने सभी आरोपों को नकारा। अब आप सुनिए क्या कहते हैं होशियारपुर के विधायक पवन आदिया और होशियारपुर के DFO अमनीत सिंह। हेलो, हाँ नमस्कार जी, मैं पब्लिक दिलासा चैनल तो राजेश अरोड़ा बोल रहे हैं। विधायक पवन आदिया जी बोल रहे ने? हाँ जी बोल रहे हैं जी। आदिया जी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अमृतसर च और कीती है स्माल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने जी, उन्होंने प्रधान पंजाब दे गुरप्रीत कटारिया जी ने आरोप लगाया है कि जिहड़ी होशियारपुर दे विच वुड बेस गैर कानूनी ढंग नाल 30 फैक्ट्रियां चल रही ने, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੇ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ 4.5 ਸਾਲ ਬਣੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਚ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਂਗ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ 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 ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਭਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ। ਮੈਂ
एक प्रश्न होर जानना चाहना आदिया जी, हुक्म करो। उन्हां दा कहना है भी सी कि जेड़े हुशियारपुर दे डीएफओ है ना जी, उन्हां नूं तुसी, उन्हां दा आरोप सी तुहाडे उत्ते कि उन्हां नूं डीएफओ नूं इन्हां ने दबाव पाया कि उन्हां अवैध गैर कानूनी तरीके नाल चल रही फैक्ट्रियां ते तुसीं विजिट नहीं करनी, कारवाई नहीं करनी। भाजी एक गल मेरी थोड़ा जी सुनो जी, थोड़ा चिर ही होया मैं एक तुहानूं दसना चाहुंदा, ना तो कोई उथे किसी मेरे जाति वाले दी है फैक्ट्री जी, ना मेरी कोई मेरे दोस्त दी फैक्ट्री है जी, मेरे वालों तो जेड़ी भी नजायज फैक्ट्री उन्हें बंद कर दें जो मर्जी कर दें, मैं किसी दे इदां दे गलत काम चाहे नहीं। नंबर दो जी, मैं ये दसना चाहना ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੀ ਐਫ ਓ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਡੀ ਐਫ ਓ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਡੀ ਐਫ ਓ ਤੇ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਡੀ ਐਫ ਓ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਏ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਐਫ ਓ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਐਫ ਓ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੋਊ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। नमस्कार जी, मैं पब्लिक दिलासा चैनल तो राजेश अरोड़ा बोल रहा, डीएफओ होशियारपुर अमनीत सिंह जी बोल रहे ने। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अमनीत जी, एक समाल प्लाईवुड मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के जे अध्यक्ष गुरप्रीत कटारिया जी ने तुहाडे ते आरोप लगाया है कि बार बार शिकायत करन दे बावजूद, तुहानू मिलन दे बावजूद, दसन दे बावजूद जेडे हुशियारपुर च गैर कानूनी तरीके दे नाल अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं और ते तुसी कारवाई नहीं कर रहे। अच्छा, एदे बारे तुहाडा की कहना है? कारवाई तो कर रहे हैं सारी, हुण फैक्ट्रियां बहुत ने, सारियां टीमां बनाईयां मैं थले जी, सारे ने चेकिंग रिपोर्ट भेजती है, अगे अकॉर्डिंग टू रूल्स एक्शन लिया जा रहा है सारा। ए शिकायतां तुहानूं कोई करीब 5 महीने पहले दी मिली है जी? मैं तो ही 2 महीने पहला ज्वाइन किया है। अच्छा जी, तुसी 2 महीने तो ज्वाइन किया है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ते तुहाडे बाद मेरी नॉलेज आई है। अच्छा जी, ते हुण तक ने शिकायत दा की बनया, कित्थों तक यह मामला पहुंचया वे? इहदे जिहड़े अपने कईआं दे कोर्ट केस लाते हैं क्योंकि वो पेनल्टी भी पैंदी उहनां नूं जी, उहनां ने साडा जिहड़ा डैमेज रिपोर्ट कट के उहनां नूं कोर्ट केस चलाता है। अच्छा जी, बाकी जिहड़ी बंद करन दी कारवाई उह वी चल रही है साइड बाय साइड जी, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं जी। धन्यवाद जी। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नाल भी चल रहे हैं जी, ते बाकी जेड़ा ऑन ग्राउंड ते बंद करने वाला काम है वो भी चल रहा है जी। धन्यवाद अकॉर्डिंग टू रूल्स। हां जी, धन्यवाद।